फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर की वायरिंग करना सीखेंगे। सबसे पहले हम इस डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर की ड्राइंग बनाएंगे, फिर हम उसको ड्राइंग को देखते हुए इसकी लाइव प्रैक्टिकल वायरिंग आपको करके दिखाएंगे। काफ़ी दोस्तों का कमेंट आता है कि हम इस तरह का जो सर्किट बनाते हैं, यानी कि इसकी वायरिंग करते हैं स्टार्टर की, तो उसके साथ हमें इस तरह का एक सर्किट डायग्राम बना के फिर उसके साथ में समझाया कीजिए। तो हम इसलिए हम सबसे पहले इस सर्किट को बनाएंगे और फिर इसकी प्रैक्टिकल वायरिंग करके आपको दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स, डी होल स्टार्टर की ड्राइंग बनाने के लिए यहाँ पर हम वंडरशेयर का ईड्रा मैक्स सॉफ्टवेयर यूज करने वाले हैं। इस सॉफ्टवेयर के अंदर आप आसानी से कोई भी ड्राइंग बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके अंदर अनेक प्रकार की कैटेगरी दी गई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। जिस भी कैटेगरी के अंदर आप ड्राइंग बनाना चाहते हैं उस कैटेगरी को आपको सेलेक्ट करना है, उसके बाद आप उसके अंदर ड्राइंग बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिकल की ड्राइंग बनाने वाले हैं, तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रिकल सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे तो अनेक प्रकार की टेम्पलेट दी गई है। टेम्पलेट मतलब बनी बनाई ड्राइंग। अगर आप बनी बनाई ड्राइंग को यूज कर सकते हैं तो यूज भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम को हम क्लिक करेंगे तो इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम से रिलेटेड जितनी भी ड्राइंग होगी वो सामने आ जाएगी, उनको आप यूज कर सकते हैं डायरेक्टली। अगर आपको नई ड्राइंग बनानी है तो आप वहां पे नई ड्राइंग भी बना सकते हैं, उसके लिए आपको यहाँ पे प्लस के आइकॉन पे जाना पड़ेगा। फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूँ, ये जो सॉफ्टवेयर है ये विंडो में भी काम करता है और जो मैकबुक होती है उसके अंदर भी चलता है और लिनक्स में भी चलता है। अगर आप इसको डायरेक्ट किसी ब्राउजर के अंदर चलाना चाहते हैं तो डायरेक्ट ये ऑनलाइन ब्राउजर के अंदर भी ओपन हो जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी हम क्या करते हैं, डी होल स्टार्टर का सर्किट डायग्राम बना लेते हैं। फ्रेंड्स, इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक ब्लैंक पेज लेंगे, यानी कि प्रोजेक्ट फाइल लेंगे, उसके अंदर इस प्रोजेक्ट को बनाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले इस प्रोजेक्ट फाइल के इंट्रोड्यूस कर देता हूँ फ्रेंड्स मैं, कि यहाँ पे आप देखेंगे तो माई लाइब्रेरी मिलेगी। माई लाइब्रेरी के अंदर आप इंपोर्ट कर सकते हैं ये सिंबल्स। यहाँ पे सिंबल्स की कैटेगरी आपको देखने को मिलेगी, ये देख सकते हैं बेसिक, जो बेसिक सिंबल है यहाँ पे दिए गए हैं। उसके बाद में काफी सारे सिंबल दिए गए फ्रेंड्स ये, और रोटेटिंग इक्विपमेंट के जो यहाँ पे मोटर वगैरह के जो रोटेटिंग करते हैं वो सिंबल यहाँ पे दिए गए हैं। स्विच एंड रिले के सिंबल्स यहाँ पे दिए गए हैं। इस तरह से जो भी हम इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड सिंबल्स यूज करते हैं ड्राइंग बनाने के लिए, वो सारे के सारे सिंबल्स इसके अंदर दिए गए हैं। जो सिंबल आपको ये लगता है कि नहीं दिया गया है उसको आप यहाँ पे अपने हिसाब से क्रिएट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। वो क्रिएट करने के बाद उसको आप माई लाइब्रेरी के अंदर सेट कर सकते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसके अंदर डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर की सर्किट डायग्राम बनाएंगे। उससे पहले फ्रेंड्स, आप यहां से देख सकते हैं टेक्स्ट का ऑप्शन दिया गया है, जिससे कि आप जब डायग्राम आपका बन जाएगा तो टेक्स्ट को यूज करके उनके नाम वगैरह रख सकते हैं, जैसे MCB हो गया, OLR हो गया, कॉन्टेक्टर, स्टार्ट बटन, पुश बटन, जो भी है उसको यहां से सिलेक्ट करके किसी तरह से भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि MCB, ठीक है। इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो कनेक्टर दिए गए हैं। कनेक्टर का यूज हम किस तरह से करेंगे, जब हमें एक सिंबल से दूसरे सिंबल को हमें जोड़ना होगा तो उस सिंबल को हम जोड़ सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हम स्ट्रेट को चूज करते हैं और यहां से यहां तक हम सेलेक्ट कर लिया तो ये यहां से यहाँ पे एक वायर कनेक्ट हो गई है, कनेक्टर हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे एक सिंबल है और यहाँ पे एक सिंबल है, तो वो दोनों इस कनेक्टर की सहायता से जुड़ जाएगा। तो फ्रेंड्स, अभी हम क्या करते हैं, इनको हम डिलीट कर देते हैं। फ्रेंड्स, डिलीट करने के बाद हमें डी होल स्टार्टर के अंदर यूज होने वाले सिंबल्स को यहां से खींच के इस पेज के अंदर लेके आना है। तो हम क्या करेंगे, यहां से जो डी होल स्टार्टर के अंदर जो सिंबल्स हैं यूज होने वाले हैं, उन सिंबल्स को यहां पे खींच के घसीट के यहां पे ले आएंगे, ठीक है। तो ये यहां पे कॉन्टेक्टर की कॉइल का सिंबल यहां पे आ गया है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहां पे एक MCB का सिंबल हमें यूज करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सर्किट ब्रेकर है, सिंगल पेज यहाँ पे लिखा हुआ भी आ जाता है, तो इसको हम यहाँ पे रख लेते हैं। उसके बाद हमें फ्रेंड्स एक NO कॉन्टेक्ट चाहिएगा जो कि हम होल्डिंग के लिए यूज करेंगे, तो ये भी होल्डिंग के लिए यूज करने के लिए NO कॉन्टेक्ट आ गया है। उसके बाद फ्रेंड्स हमें एक स्टार्ट बटन चाहिएगा, तो स्टार्ट बटन का एक सिंबल आ जाता है। एक स्टॉप बटन चाहिएगा, तो एक स्टॉप बटन का सिंबल हम यहां से लेके आ जाते हैं।
और हमें एक ओवरलोड रिले का सिंबल चाहिएगा, तो हम यहां से ओवरलोड रिले का सिंबल लेके आ जाएंगे। उसके बाद फ्रेंड्स जो सिंबल हमें लेने हैं वो ले लिए हैं, उसके बाद क्या करेंगे, जो सिंबल्स की लाइब्रेरी है उसको आप यहां से हाइड भी कर सकते हैं, ठीक है। और फ्रेंड्स जो ये हमारा प्रोजेक्ट का पेज है इसको आप जूम इन जूम आउट भी कर सकते हैं, यहां से आप इसको जूम आउट कर सकते हैं, यहां से आप इसको जूम इन कर सकते हैं। जूम इन करने से आपका जो प्रोजेक्ट फाइल है वो अच्छे से दिखने लग जाएगा और इसको आप अच्छे से असेंबल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एमसीबी का सिंबल है, इस एमसीबी के सिंबल को हम थोड़ा सा ऊपर की साइड शिफ्ट कर लेते हैं। एमसीबी के बाद फ्रेंड्स हमारी ओवरलोड रिले आती है, तो ओवरलोड रिले को हम यहां से उठाकर इसके पास में ले जाएंगे, और ये आप देख सकते हैं ये थोड़ा हॉरिजॉन्टली में है इसका सिंबल, तो आपको इसे क्या करना है, सिलेक्ट करना है और यहां पे आप देखेंगे तो ये घुमावदार का सिंबल बना हुआ है, इसको इस तरह से डिग्री में सिलेक्ट कर देना है, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद हमारा यहां पे स्टॉप बटन लगता है, तो ये स्टॉप बटन है, स्टॉप बटन को हम यहां से खींच के इसके नीचे वाले टर्मिनल पे यहां पे ले जाएंगे और इसको भी हम इस तरह से रोटेट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा यहां पे एक स्टार्ट बटन लगता है, स्टार्ट बटन को हम यहां पे ले जाएंगे और इसको भी रोटेट करके सीधा कर देंगे, ठीक है। इस तरह से आप आसानी से इसको असेंबल कर सकते हैं। और यहां पे फ्रेंड्स एक देख सकते हैं एक ये एनो कॉन्टैक्ट है जो कि हम होल्डिंग के लिए यूज करेंगे, और एक हमारा यहां पे कॉन्टैक्टर है, इसको भी हम थोड़ा सा सेट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने सिंबल्स को अच्छे से सेट कर लिया है, एक लाइन में अलाइनमेंट कर लिया है। उसके बाद फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं ये एमसीबी का सिंबल यहाँ पे है, ओवरलोड रिले का सिंबल यहाँ पे है, स्टॉप बटन का यहाँ पे, स्टार्ट बटन का यहाँ पे और कॉन्टैक्टर का यहाँ पे है। तो इनको जोड़ने के लिए आपस में हम यहाँ पे कनेक्टर का यूज करेंगे। तो कनेक्टर आप यहाँ पे देख सकते हैं तीन चार तरीके के कनेक्टर दिए गए हैं। यहाँ पे हम स्ट्रेट वाला जो कनेक्टर है उसको हम यूज करने वाले हैं, उसको आपको क्या करना है, यहां से खींच के इस तरह से इसको जोड़ देना है। तो आप यहां पे देख सकते हैं ये जुड़ गया है। अभी हम नेक्स्ट पॉइंट को यहां से पकड़ेंगे और दूसरे वाले पॉइंट को जोड़ देंगे, इस तरह से हम सारे के सारे पॉइंट को जोड़ देते हैं। फ्रेंड्स अभी आपने देखा कि कनेक्टर की सहायता से हमने सारे के सारे सिंबल्स को अटैच कर लिया है, जो हमारा सर्किट डायग्राम था वो बन के बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इनके नाम रख देते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने एमसीबी लगाई है तो एमसीबी लिख देते हैं, ओएलआर लिख देते हैं, स्टॉप बटन, स्टार्ट बटन, कॉन्टैक्टर, होल्डिंग, ये सब कुछ यहाँ पे नाम वगैरह लिख देते हैं। नाम वगैरह लिखने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। टेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद इस तरह से यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम इसको नाम लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स अभी हमारी ड्यूअल स्टार्टर की ड्राइंग बनके बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अभी हमें इस फाइल को सेव करना है और हमें प्रिंट आउट लेना है। सेव करने के लिए हम क्या करेंगे, फाइल के ऑप्शन पे जाएंगे। फाइल के ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पे आपको एक्सपोर्ट एंड सेंड का ऑप्शन मिलेगा, वहां पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको अनेक प्रकार के फॉर्मेट मिल जाएंगे, जिस भी आप फॉर्मेट में अंदर सेव करना चाहते हैं तो सेव कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे पीडीएफ वाले फॉर्मेट के अंदर इसको सेव करूंगा, तो पीडीएफ वाले पे क्लिक करूंगा, उसके बाद हम यहाँ पे इसको सेव कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स ये ड्राइंग 2 है, तो हम ड्राइंग 2 के नाम से भी सिलेक्ट करके सेव कर सकते हैं, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। उसके बाद आप इसको ओपन करके देख सकते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ड्राइंग हमारी बिल्कुल बनके कंप्लीट हो चुकी है। अभी हम इसका क्या करते हैं, यहाँ से प्रिंट आउट ले लेते हैं। तो फ्रेंड्स अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं जो हमने इड्रामैक्स सॉफ्टवेयर के अंदर डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर की जो ड्राइंग बनाई थी उसका प्रिंट आउट हमने यहाँ पे ले लिया है। अभी इस ड्राइंग के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे वायरिंग करेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने यहाँ पे एक एमसीबी लगाई है, तो ये एक कंट्रोल की एमसीबी है। उसके बाद ओवरलोड रिले है, तो ये एक ओवरलोड रिले है। स्टॉप बटन, ये स्टॉप बटन है। स्टार्ट बटन, ये स्टार्ट बटन है। और ये K1 जो कि कॉन्टैक्टर है, ये आप देख सकते हैं कॉन्टैक्टर है, ये वाला कॉन्टैक्टर है। और यहाँ पे होल्डिंग जो यूज करेंगे वो इसके एक्जिलरी कॉन्टैक्ट से एनो पॉइंट से होल्डिंग को यूज कर लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स अभी हम एक एक करके इसकी वायरिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसके अंदर यहाँ पे आप देखिए ये फेज आया हुआ है फ्रेंड्स, ठीक है, ये फेज आया हुआ है और जो कि एमसीबी के अंदर गया हुआ है। तो हम इसको क्या करेंगे, यहां पे आप देखेंगे तो ये रेड कलर की जो वायर है ये फेज आया हुआ है और जो ब्लैक कलर की वायर है ये न्यूट्रल आया हुआ है फ्रेंड्स। तो एमसीबी के इनपुट में तो यहां पे फेज
सप्लाई आ गई है, तो उसके बाद यहाँ से आउटपुट से निकलने के बाद जो ये वायर है, ये वायर चली जाती है ओवरलोड रिले के एनसी टर्मिनल पे। तो यहां तक हम ये वाली वायर को कनेक्ट कर लेते हैं। फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूं, जो ये एमसीबी है, एमसीबी का यहां पे फेज है निकलेगा और यहां से ये 95 नंबर यहां पे जुड़ जाएगा, ये एनसी टर्मिनल है। तो यहां से लेके हम यहां पे ओवरलोड रिले के इस टर्मिनल पे इस वायर को जोड़ लेते हैं। तो फ्रेंड्स अभी आप यहां पे देख सकते हैं, हमने एमसीबी से वायर उठा के ये ओवरलोड रिले के एनसी टर्मिनल पे कनेक्ट कर दी है। तो यहां तक की वायरिंग हमारी हो चुकी है। अभी ओवरलोड रिले के अगले वाले पॉइंट से जो कि 96 नंबर है, वहां से वायर जाएगी जो कि स्टॉप बटन के एक टर्मिनल पे जाती है। तो यहां से लेके हम ये वाली वायर जोड़ते हैं। तो ये जो 96 नंबर है, यहां से वायर इसके एक टर्मिनल के अंदर चली जाएगी। तो हम ये वाली वायरिंग भी कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स अभी आप यहां पे देख सकते हैं, हमने ओवरलोड रिले से ये स्टॉप बटन के अंदर वायरिंग कर ली है। अभी जो स्टॉप बटन है उसके आउटपुट से वायर, ये देख सकते हैं, ये स्टॉप बटन का जो दूसरा टर्मिनल है, ये वायर है वो स्टार्ट बटन के एक टर्मिनल पे चली जाती है। तो ये है स्टॉप बटन, ये है स्टार्ट बटन, यहां से ये वायर इसके एक टर्मिनल पे यहां पे कनेक्ट हो जाएगी। तो इसको भी हम कनेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स यहां से आप देख सकते हैं, स्टॉप स्टार्ट बटन के आगे वाले पॉइंट से निकल के ये कॉन्टेक्टर के A1, यहां पे क्वाइल का टर्मिनल होता है फ्रेंड्स A1, तो A1 के अंदर इसको भी कनेक्ट कर लेंगे साथ में ही। तो फ्रेंड्स अभी हमने स्टॉप बटन से स्टार्ट बटन में वायरिंग कर दी ये वाली वायरिंग, और स्टार्ट बटन से जो आउटपुट है वो कॉन्टेक्टर के अंदर चली गई है। आप यहां पे देख सकते हैं, अगर आपको ये दिखाई दे रहा हो तो यहां पे A1 लिखा हुआ है, तो ये क्वाइल का टर्मिनल है, इस क्वाइल के टर्मिनल के अंदर इसको कनेक्ट कर दिया है। तो फ्रेंड्स इतनी वायरिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। आप यहां पे देख सकते हैं डायग्राम के अंदर, यहां से लेके ये यहां तक, ये वाली अभी पेंडिंग है, तो इसको भी हम कर लेते हैं। तो यहां पे आप देखेंगे तो ये वाली वायर है, ये स्टार्ट बटन के इस वाले टर्मिनल पे जोड़ सकते हैं हम, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहां से एक वायर जोड़ के जो होल्डिंग पॉइंट है जो कि कॉन्टेक्टर का NO है, तो ये आप देख सकते हैं 13 नंबर और 14 नंबर यहां पे NO लिखा हुआ है, तो यहां से एक वायर उठाएंगे, ये 14 नंबर पे यहां पे कनेक्ट कर देंगे। तो फ्रेंड्स अभी हमने स्टार्ट बटन के इनपुट में से एक वायर उठाई और कॉन्टेक्टर के NO टर्मिनल पे यहां पे जोड़ दी है। तो जो ये वाली वायरिंग है, यहां से लेके ये वाली वायरिंग, ये कंप्लीट हो गई है। अभी जो NO का दूसरा टर्मिनल बचता है, यहां से हम स्टार्ट बटन के दूसरे टर्मिनल से यानी कि आउटपुट पे भी जोड़ सकते हैं, या फिर यहीं से हम कॉन्टेक्टर के A1 में भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि यहां पे जुड़ा हुआ है या फिर यहां पे जुड़ा हुआ है, कोई बात नहीं है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहां से NO टर्मिनल से वायर जोड़ेंगे जो कि यहां पे A1 के साथ, इसी वायर के साथ यहां पे कनेक्ट हो जाएगी। अगर हम इसको यहां से यहां पे जोड़ेंगे तो लंबी वायर हो जाएगी, यहां से हम यहां पे जोड़ देंगे तो छोटी वायर लगेगी, और इससे हमें काम भी जल्दी हो जाएगा। तो ये वाली वायर यहां पे जोड़ लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमने यहां पे NO टर्मिनल से A1 में भी वायर को जोड़ लिया है। तो ये वाली जो वायरिंग है ये भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अभी ये कॉन्टेक्टर के A2, यहां पे फ्रेंड्स A2 लिखा हुआ होगा, यहां पे A2 से हम एक क्या करेंगे, एक न्यूट्रल में कनेक्ट कर देंगे। तो यहां पे आप देख सकते हैं MCB के इस टर्मिनल पे न्यूट्रल आया हुआ है, तो यहां से हम ये आप देख सकते हैं ये जो टर्मिनल है ये खाली बचा हुआ है, यहां पे A2 लिखा हुआ है फ्रेंड्स, तो यहां पे वो न्यूट्रल वायरिंग कर देते हैं। तो फ्रेंड्स अभी हमने न्यूट्रल के कनेक्शन भी कंप्लीट कर लिए हैं। तो ये ब्लैक कलर की वायर, यहां से न्यूट्रल वायर उठ के कॉन्टेक्टर के A2 टर्मिनल पे कनेक्ट कर दी है। तो ये हमारे सर्किट जो बनाया था उस हिसाब से हमारी वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है। अभी करते हैं हम इसको टेस्टिंग। टेस्टिंग करने के लिए सबसे पहले हमें इस MCB के इनपुट में फेज और न्यूट्रल सप्लाई देनी है, उसके बाद हमें MCB को ऑन करना है। ऑन करने के बाद फ्रेंड्स ये है स्टार्ट बटन और ये है स्टॉप बटन। तो जैसे हम स्टार्ट बटन दबाएंगे तो कॉन्टेक्टर हमारा ऑन हो जाएगा, और ऑन होने के बाद जब हम इसको स्टॉप को दबाएंगे तो कॉन्टेक्टर ऑफ हो जाएगा। तो अभी हमारी जो सप्लाई है वो पीछे से आ रही है, MCB भी ऑन है, तो अभी हम इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के लिए हमें स्टार्ट बटन दबाते हैं, तो देख सकते हैं फ्रेंड्स अभी कॉन्टेक्टर हमारा ऑन हो गया है। इसको ऑफ करने के लिए हम ये वाला बटन दबाएंगे, तो ये अभी ऑफ हो गया है।
तो फ्रेंड्स इस तरह से आप आसानी से एक डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर की वायरिंग कर सकते हैं। हमने यहाँ पे एक सर्किट डायग्राम डिजाइन किया। फ्रेंड्स से मैं आपको बता देता हूँ, वंडरशेयर का जो ईड्रा मैक्स सॉफ्टवेयर है उसका लिंक मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसके बारे में डिटेल में जानकारी ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।